कैसे हो आप सभी। आज बेटा हम लेकर आए हैं अपना न्यू टॉपिक यूनिट 5 का, जिसका नेम है वॉन डर वाल इक्वेशन। ये लास्ट टॉपिक है बेटा आपके रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। वॉन डर वाल इक्वेशन जो है बेटा, नेम से पता चल रहा है कि वॉन डर वाल साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको प्रपोज किया था। जैसे बेटा आइडियल गैसेस के लिए कौन सी इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन, वैसे ही जो रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस को फॉलो नहीं करती। रियल गैसेस के लिए जो इक्वेशन आती है वो है बेटा वॉन डर वाल इक्वेशन, ठीक है। तो आज बेटा हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन थी वो क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। उसी में ही बेटा कुछ करेक्शन किए गए और उसी को ही आगे फिर मॉडिफाई किया गया और उसको फिर पर्टिकुलर नेम दे दिया क्या, वॉन डर वाल इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्टली हमें पता है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए थी तो मैं उसका आई वर्ड यहाँ यूज कर लेती हूँ, ठीक है, ये आई है। अब इसमें देखो बेटा वॉल्यूम एंड जो प्रेशर था उसमें कुछ करेक्शंस की गई और उस करेक्शंस को करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आई प्रेशर एंड वॉल्यूम की वो हमें इसमें पुट करनी है और फिर जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या है, वॉन डर वाल इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे फर्स्टली हम देख लेते हैं करेक्शन इन वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर क्या करेक्शन किया गया, बहुत ही सिंपल सा है, अच्छे से देखना है आपको। देखो बेटा एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस फिलअप है और उन गैसेस के पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट वॉल्यूम है किसी भी गैस की, हम कह सकते हैं टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस। अब मैंने क्या किया, मैं इसको थोड़ा जूम करके और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। जैसे हमें कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं दिखती है तो हम क्या करते हैं, उसको जूम करके देखते हैं। तो वही चीज है, क्या किया देखो, जब हम इसको जूम करेंगे एक छोटे से पार्टिकल को या हम कहें इसके छोटे से पार्ट को देखेंगे, कंटेनर के पार्ट को, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास ये तो पार्टिकल्स दिखेंगे गैस के और ये जो फ्री स्पेस है वो भी दिखेगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है इसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी, हमने देख रखा है, डेविएशन आया था तो हमने उसमें कहा भी था कि काइनेटिक थ्योरी ने तो ये कहा था कि वॉल्यूम होती नहीं है किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की गैसेस के अंदर, नेगेटिव होती है। बट हम आगे डेविएशन देखा तो हमने देखा था कि वॉल्यूम पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल होती है उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम प्रेजेंट होती है, उसको नेग्लिजिबल नहीं होती है टोटल वॉल्यूम के कम्पेयर में। तो हमने कहा यहाँ पर ये पार्टिकल है इसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो है, वॉल्यूम ऑफ गैस या मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ पर हम मॉलिक्यूल लेंगे। लेकिन बेटा अगर हम ये वाला स्पेस देखें, जो हमें ये वाला स्पेस फ्री दिख रहा है, ये जो फ्री स्पेस है इसकी भी तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी और ये फ्री स्पेस जो है या फ्री जो वॉल्यूम हमें मिल रही है, यहाँ पर ये गैसेस पार्टिकल क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वॉल्यूम कुछ ना कुछ है, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोमेंटम ऑफ ऑक्सीजन गैस पार्टिकल, ठीक है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो वॉल्यूम हमने पूरी टोटल वॉल्यूम ली है गैसेस की, उसमें कंप्लीट गैस की ही वॉल्यूम है, उसमें वॉल्यूम किसकी है बेटा, फ्री स्पेस जो प्रेजेंट है उसकी भी वॉल्यूम कुछ ना कुछ होती है। तो हमने मान के चला कि जो रियल गैस थी, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, उसके लिए हमने सिंबल लिया बेटा वी आर, एंड जो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस थी उसके लिए हमने सिंबल ले लिया वी आई, ठीक है, आई मीन्स आइडियल, यहाँ आर मीन्स रियल, ठीक है। तो देखो बेटा हमने ये देखा कि बहुत सी वॉल्यूम ऐसी भी है जो कि फ्री प्रेजेंट है या हम कहें उसी के अंदर पार्टिकल्स जो है फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, तो उसकी ना कुछ वॉल्यूम होती है। दैट मीन्स जो वॉल्यूम होगी रियल गैस की वो क्या होगी बेटा, ग्रेटर देन होगी किससे,
से आइडियल गैस की वॉल्यूम से। ये चीज किसने एक्सप्लेन की है? वैन डर वाल ने एक्सप्लेन की, इससे पहले किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे, देखो वी आई की वैल्यू निकालनी है हमें, तो वी आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आर माइनस वी, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो वॉल्यूम थी किसकी, फ्री स्पेस की, कुछ ना कुछ वॉल्यूम है तो उसको मान के चलो हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, बी से, ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, आगे हम देखेंगे। तो बेटा इसमें जब रियल गैस की जो वॉल्यूम है उसमें से जब आप फ्री स्पेस की माइनस करोगे तो आपके पास किसकी आ जाएगी, आइडियल वॉल्यूम। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वॉल्यूम क्या है, कम, हमने देखी भी थी, और ये वॉल्यूम क्या है, ज्यादा, क्योंकि हम उस वॉल्यूम में से फ्री वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, फ्री वॉल्यूम बोल सकते हो, या हम उसको क्या बोल सकते हैं, करेक्शन वॉल्यूम, क्योंकि हम करेक्शन करके देख रहे हैं, तो करेक्शन वॉल्यूम आपकी कौन सी है, बी है। ठीक है, तो बी एक वैन डर वाल कॉन्स्टेंट भी होता है, इसके हम आगे यूनिट भी निकालेंगे। तो ये हमने इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दी, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नहीं दी, हमने इसी को ही दे दी, इसी में हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो फर्स्ट आ गया करेक्शन इन वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम मिल गई है आइडियल की, हमने देख ली, वो वैल्यू हम उस इक्वेशन में बाद में पुट करेंगे, उससे पहले हम प्रेशर का और देख लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम करेक्शन देखते हैं प्रेशर के। ठीक है, चलो सेकेंड में स्टार्ट कर रही हूँ, करेक्शन इन प्रेशर। बेटा ये अच्छे से समझना है आपको, देखो बेटा गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिड में भी प्रेजेंट है और जो वॉल की, जो कंटेनर की वॉल है उसके भी पास में प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रेशर यहाँ पर एक फोर्स है ये मान के चलो, क्योंकि बेटा जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं क्योंकि फ्रीली मूव करते हैं, आपको पता है। तो जो मिड में पार्टिकल होता है वो बेटा उसके सराउंडिंग पार्टिकल से इक्वली क्या करता है, फोर्स, ठीक है, इस पे इक्वली फोर्स अप्लाई हो रहा है। लेकिन बेटा जो वॉल के पास है, सपोज हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो देखो इसमें एक साइड ही पार्टिकल है, दूसरे साइड तो पार्टिकल है नहीं, दूसरे साइड क्या बेटा, वॉल है, तो यहाँ पर तो अट्रैक्शन इन पार्टिकल से हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है ये मान के चलो। लेकिन बेटा एक साइड हो रहा है, दूसरे साइड वॉल है, अभी कंटेनर की वॉल इस पार्टिकल को क्या करेगी, रिपेल करेगी, रिपल्शन शो होगा, तो यहाँ पर इक्वली प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रेशर में जो डिफरेंस आता है उसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या होता है बेटा, करेक्शन प्रेशर। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो बेटा हमने क्या कहा कि जो प्रेशर है इसका रियल का वो है आर, पी आर, एंड बेटा जो आइडियल का है वो क्या है, पी आई। इस केस के अंदर देखो बेटा पहले आइडियल गैसेस ने इस टाइप का प्रेशर नहीं बताया, सिंपल की जो गैसेस होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी में नेग्लिजिबल बताया था। तो देखो बेटा जो आइडियल गैस के लिए प्रेशर बताया गया था वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है रियल गैसेस के प्रेशर से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में बताया है कि जो मिड में प्रेजेंट होगा उसमें इक्वली प्रेशर एग्जर्ट होता है, बट जो वॉल कंटेनर वॉल के नियर बाय होता है उसमें अनइक्वली फोर्स एग्जर्ट होता है या प्रेशर एग्जर्ट होता है। ठीक है, तो जो रियल का होगा प्रेशर वो क्या होगा, लेस देन होगा आइडियल से, वॉल्यूम के जस्ट अपोजिट होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इसकी निकालनी है ना वैल्यू, तो उससे पहले देखो कि जो प्रेशर होगा आइडियल का वो क्या होगा, ग्रेटर देन है, ज्यादा है ना, तो प्रेशर ऑफ द रियल गैसेस प्लस यहाँ पर बेटा क्या आएगा, ये वाला करेक्शन प्रेशर स्मॉल पी। ठीक है, और वी नो दैट कि यहाँ पर डेंसिटी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो डेंसिटी होती है वो वॉल्यूम के क्या होती है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1 बाय वी स्क्वायर।
स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। एंड बेटा यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटते ही कॉन्स्टेंट आएगा ए, जिसको हम बोलते हैं वैन डर वाल कॉन्स्टेंट, ठीक है, वी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, ये वैल्यू इसने पुट कर दी, तो क्या आया, पी आई इज इक्वल टू पी आर प्लस ए बाय वी स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये जो वैल्यू आई है ये हमें अब इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये साइड में लिख दो या फिर आप इससे नीचे ही लिखते चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, जो हमारे पास रियल का प्रेशर आया है और सॉरी आइडियल के लिए और जो वॉल्यूम आई थी उसकी वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, ठीक है, तो इक्वेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अब अभी देखने में कि कैसे कैसे पुट करना है आपको, वॉल्यूम आपको ध्यान होगा क्या थी, ठीक है, वो इसमें पुट करनी है। तो यहाँ पर मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है, आपको ध्यान रखनी है कौन सी वैल्यू आई थी। देखो बेटा, पुट वैल्यू ऑफ पी आई एंड वी आई इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें पुट कर दो। देखो पी आई की वैल्यू बेटा क्या आई थी, पी रियल, तो यार रियल लिखने की जरूरत नहीं, ओनली पी लिख दो, प्रेशर, ठीक है, प्लस ए बाय वी स्क्वायर, ये तो प्रेशर की वैल्यू आई थी बेटा। वॉल्यूम की क्या आई थी, वॉल्यूम की आई थी वी माइनस बी, यही आई थी वी रियल माइनस बी, तो यहाँ पर आर शो नहीं करना है आप, ये चीज ध्यान रखना, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखोगे, आर टी, क्योंकि अभी देखो मैं बताती हूँ एन बी हमें बाद में देखना है। ये कब है, जब बेटा ये है 4 1 मोल, मतलब जब एन की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तो इसी इक्वेशन को बेटा हम क्या बोलेंगे, वैन डर वाल इक्वेशन, बहुत ही इजी है। अगर बेटा एन मोल्स के लिए पूछा जाए, मोल एक ना हो एक से ज्यादा हो, तो आपको इक्वेशन ध्यान रखनी है पी प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो एन बी स्क्वायर में आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, वी माइनस एन बी, ये करेक्शन थी, यहाँ भी करेक्शन हुआ है, तो एन इसी के साथ आएगा, इसके साथ मत लगाना, वॉल्यूम के साथ मत लगाना, इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है, जब आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हो तो बेटा यहाँ पर n रहने दो, ठीक है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 मोल है, ये चीज ध्यान रखो, नहीं तो फिर गड़बड़ करोगे आप। तो ये जो इक्वेशन आई वो किसके लिए है, फॉर n मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों को ध्यान में रखना है, अगर मोल्स 1 दिए हुए हैं क्वेश्चन में तो आपको ये लेके चलना है, ठीक है, एन की वैल्यू 1 पुट करोगे आपको पता है क्या आना है, और अगर एक से ज्यादा मोल दिए हुए हो तो आपको ये वाली इक्वेशन ध्यान रखनी है, दोनों ही क्या है बेटा, वैन डर वाल इक्वेशन, ठीक है। तो अभी देखो हम डिस्कस क्या करेंगे, एक का आपके पास आया है ए और एक आया है बी, ये न्यू चीज आई है ना, इनके लिए हम डिस्कस करेंगे, ये इम्पोर्टेंट भी है बेटा, क्वेश्चन में पूछा भी जाता है एग्जाम में, कि जो ए और बी है इनको हम वैन डर वाल कॉन्स्टेंट बोलते हैं, इनके या तो सिग्निफिकेंस पूछ लिए जाते हैं या फिर इनकी यूनिट कैलकुलेट करना पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों ही चीज दिखाने वाली हूँ कि इनको कैसे हमें यूनिट निकालनी है और इनके सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। देखो सिग्निफिकेंस में ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, अगर स्टार्टिंग का समझ में आ गया ना तो आप बता सकते हो सिग्निफिकेंस, किसी बच्चे के ध्यान भी ना रहे, कि काफी बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं ना चीजों को, तो रटना नहीं है बेटा, समझना है। देखो आपसे मैं बता रही हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी क्या है बेटा, वैन डर वाल कॉन्स्टेंट, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ए और बी क्या है, वैन डर वाल कॉन्स्टेंट, देखो ए और बी के क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। तो फर्स्ट ए के लिए मैं बता रही हूँ बेटा, ए जो वैन डर वाल कॉन्स्टेंट था किसने आया था, जब हम करेक्शन किसमें कर रहे थे, प्रेशर में कर रहे थे, ठीक है, और जहां पर बेटा प्रेशर की बात आती है इसका मतलब उसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो बस वहीं से ही सिंपल
क्या बताता है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी, जहां प्रेशर आया वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही। क्लियर? अगर बेटा ए की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसमें बिटवीन द मॉलिक्यूल, बिटवीन गैस पार्टिकल या फिर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर ए की वैल्यू इंक्रीज हुई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज। तो ए का सिग्निफिकेंट समझ आ गया, वैन डेर वाल कांस्टेंट ए के लिए। बेटा जो बी होता है, वैन डेर वाल कांस्टेंट जो बी है, इसके लिए हम देखेंगे क्या सिग्निफिकेंस है या ये किसमें यूज में आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, और उनमें बेटा क्या प्रेजेंट है? फ्री स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक चीज समझना बेटा, इस फ्री स्पेस को हम क्या मान के चल रहे थे? बी मान के चल रहे थे, है ना। अगर ये फ्री स्पेस ज्यादा है तो बेटा पार्टिकल का साइज क्या है? स्मॉल। अगर ये पार्टिकल बड़े होंगे, साइज में बड़े होंगे, तो ये स्पेस क्या हो जाएगा? कम। देखो मैंने ये कहा कि आपके पास ये साइज है, छोटा साइज है, तो स्पेस आपको फ्री बहुत सारा दिख रहा होगा। अगर इन्हीं का ही साइज बेटा इतना लार्ज होता, इस टाइप से साइज लार्ज हो जाता, इनका साइज लार्ज है ना, तो देखो ये स्पेस क्या हो गया? कम हो गया। तो बी हमें क्या बताता है बेटा? बी बताता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, या फिर गैस पार्टिकल का साइज हमें बताता है कौन? वैन डेर वाल कांस्टेंट बी। ठीक है, अगर बेटा बी ग्रेटर हुआ, बी अगर क्या हुआ? ग्रेटर है, ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है या गैस के जो पार्टिकल्स है उनका साइज क्या होगा? देखो यहाँ पर ये फ्री स्पेस कितना ज्यादा है ना, तो हमने कहा बी क्या है? ज्यादा है, और बी ज्यादा है तो इनका साइज क्या है बेटा? स्मॉल है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये अपोजिट है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बहुत सिंपल है, अगर स्टार्टिंग का पोर्शन समझ आया तो उसी से बेटा सिग्निफिकेंस आराम से बता सकते हो, अलग से रटने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो बेटा ए और बी के सिग्निफिकेंस हो गए। अब इसको एक चीज और ध्यान रखना कि जो ये बी होता है, वैन डेर वाल कांस्टेंट बी, ये हमेशा जो एक्चुअल वैल्यू है उससे 4 times ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स बेटा एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही मिनिमम टू मिनिमम होता है, तो वहां पर स्पेस, वेकेंट स्पेस क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। तो आप ये मान के चलो वेकेंट स्पेस हमारे पास वैन डेर वाल कांस्टेंट बी है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ये ध्यान रखना, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो क्या होगी? हमेशा एक्चुअल वैल्यू से 4 times ही ज्यादा होता है। इसीलिए इसको बेटा जो बी होता है ना, वैन डेर वाल कांस्टेंट बी, इसको हम एक नेम और देते हैं, को वॉल्यूम। ठीक है, बताया था ना ये गैस की वॉल्यूम है, और जो ये फ्री स्पेस है इसकी भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी, जो कि गैसेस के वॉल्यूम के मेजरमेंट में हेल्प करती है, इसीलिए हम इसको दूसरा नेम क्या देंगे? को वॉल्यूम। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो बेटा, ये तो था सिग्निफिकेंस ए और बी का, अब हमें ए और बी की क्या निकालनी है? यूनिट। तो बेटा काफी बार क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वैन डेर वाल इक्वेशन क्या है, उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करो, या फिर काफी बार ये होता है 2 marks में क्या पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वैन डेर वाल कांस्टेंट ए एंड बी, तो आपको ये दोनों चीज बता के आनी है। ठीक है, अगर डायग्राम भी साथ में बनाना चाहो तो बना देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर क्या पूछ लिया जाता है? यूनिट ऑफ द वैन डेर वाल कांस्टेंट ए एंड बी। तो बेटा अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? यूनिट। और यूनिट किससे डिस्कस करेंगे बेटा? जो हमने फॉर्मूला देखा था ना उसी के बेस पे। ठीक है, देखो यूनिट्स ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले हम ए के लिए कैलकुलेट करते हैं यूनिट। ठीक है, क्या होता है बेटा? प्रेशर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, हमें ए के लिए निकालना है तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर।
ठीक है। आप देखो जो प्रेशर होती है उसकी यूनिट क्या होती है बेटा, एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम की हम लीटर में लेके चलेंगे, यहाँ वॉल्यूम स्क्वायर है तो क्या हो जाएगी, लीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स और उसकी यूनिट क्या होती है बेटा मोल। ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एटमोस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स टू। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो यूनिट आई है वो किसकी है बेटा, ए की। अब हमें ऐसे ही बी के लिए निकालना है, तो बी के लिए भी आपको ध्यान रखना है वैन डेर वाल इक्वेशन में आपके पास क्या आया था, मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ बी के लिए। ठीक है, देखो हमने देखा था वी माइनस एन बी था इज इक्वल टू जीरो मान के चलते हैं, तो वी इज इक्वल टू क्या आ गया एन बी, एंड बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वी बाय एन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि V क्या है बेटा, वॉल्यूम, जिसकी यूनिट क्या है लीटर ले रहे हैं हम यहाँ पर, N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, जिसकी यूनिट हम क्या ले रहे हैं मोल। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू लीटर मोल इनवर्स, तो ये यूनिट किसकी आ गई बेटा वैन डेर वाल कॉन्स्टेंट B के लिए और ये वैन डेर वाल कॉन्स्टेंट A के लिए। तो ये आपसे कैलकुलेशन पूछेंगे, आपको क्या करना है कैलकुलेशन, क्या यूनिट्स बतानी है, तो फॉर्मूला ध्यान है तो आप यूनिट्स इजीली बता सकते हो, क्योंकि तो उसमें जो प्रेशर वॉल्यूम जो नंबर ऑफ मोल्स है उनकी यूनिट पता है, पुट करो देन आपके पास कांस्टेंट के लिए क्या आ जाएगी यूनिट ए की बी और बी की। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर ये कम्प्लीट हो गया। अब देखो मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ, वो क्या है, हम कहते हैं कि जो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस देते हैं हम टेम्परेचर की प्रेशर की, तो जो रियल गैसेस है उनका बिहेवियर क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। तो हम क्या करेंगे कि जो वैन डेर वाल इक्वेशन थी उसमें हम प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस देखते हैं और उसमें क्या देखेंगे बेटा, बिहेवियर ऑफ द आइडियल सॉरी रियल गैसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस और ठीक है वैन डेर वाल इक्वेशन के थ्रू देखें। तो सबसे फर्स्ट मैंने क्या कहा आपको, वैन डेर वाल इक्वेशन ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर याद नहीं रहती है तो मैं साइड में लिख देती हूँ, यहाँ पे था p प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, और अगर आप नंबर ऑफ मोल्स 1 लेके चलते हो तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर n की वैल्यू क्या मान के चलेंगे 1, तो आपको ये यहाँ पर नहीं लेना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये हमारे पास वैन डेर वाल इक्वेशन थी। अब हमें क्या करना है इसमें देखते हैं, हमने प्रेशर को क्या कर दिया लो कर दिया, एट लो प्रेशर, प्रेशर हमने बहुत ज्यादा लो कर दिया बेटा। जब हम प्रेशर को लो करेंगे तो आपको पता है प्रेशर और जो वॉल्यूम है एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर को आपने कम मतलब कम कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी बेटा, लार्जर हो जाएगी या फिर ज्यादा अमाउंट में हो जाएगी। ठीक है, और वॉल्यूम जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो वॉल्यूम ज्यादा कब होती है बेटा, बहुत ही सिंपल सा है कि इसका मतलब गैसेस के जो पार्टिकल्स थे इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी रहेगा स्पेस क्या हो गया कम, तो बी क्या हो जाएगा यहाँ पर नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको, वॉल्यूम जैसे ही ज्यादा होती है जो बी है वो क्या हो जाता है नेग्लेक्ट हो जाता है। हम इसके बेस पे तो एक्सप्लेन बहुत कम कर पाते हैं, बट यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम बी के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा है, तो बी क्या हो गया उसके कंपेयर में बहुत कम, इसीलिए हम उसको नेग्लेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो वॉल्यूम जैसे ही लार्ज हो जाती है, इस वाले फॉर्मूले में देखोगे आप, जैसे ही वॉल्यूम क्या हो गई लार्ज हो गई बहुत ज्यादा हो गई, तो बेटा इसकी ओवरऑल वैल्यू a बाय v स्क्वायर की बहुत ही स्मॉल हो जाएगी,
तो क्या आपको पता है नीचे वाली वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो बेटा ओवरऑल जो रिजल्ट आता है वो 0.00 में आता है। इसका मतलब बहुत ही ज्यादा स्मॉल वैल्यू आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि a बाय बी स्क्वायर वेरी स्मॉल होगी, ठीक है। और जब ये भी नेगलेक्ट हो गया, ये भी बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो गया, और जब बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाता है तो हम उसको नेगलेक्ट मान के चलते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, देखो p ये नेगलेक्ट हो चुकी है क्योंकि तो बहुत ज्यादा स्मॉल है तो हमने नेगलेक्ट कर दिया p। यहाँ पर बेटा v आएगा एंड b भी क्या हो गया, नेगलेक्ट। तो हम कह सकते हैं पी वी इज इक्वल टू क्या आ गया, आर टी। और मैंने आपको बताया था बेटा कि जो रियल गैसेस होती हैं वो लो प्रेशर पर या फिर हाई टेम्परेचर पर, तो आपको कंडीशन याद रखनी है एट लो प्रेशर या फिर हम यहाँ पर टेम्परेचर क्या कर दे, हाई कर दे, तो एक ही कंडीशन आएगी। अगर ये नहीं पूछा जाता, हाई टेम्परेचर पूछा जाता है तो भी ये चीज सेम आएगी, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर आप हाई करोगे तो जो गैसेस के पार्टिकल है एनर्जी को गेन करके वो ज्यादा, उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है तो उनकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है लार्जर अमाउंट में, ठीक है। तो देखो हमने ये भी कहा था कि जो रियल गैसेस होती है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर किसकी तरह बिहेव करने लग जाती है, आइडियल गैस की तरह। तो ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया विद द हेल्प ऑफ वैन डेर वाल इक्वेशन। ये चीज ध्यान रखनी है, अगर पूछा जाता है तो आपको ये चीज बता के आनी है सिर्फ, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैसेस जो है वो किसकी तरह बिहेव करेंगी, आइडियल गैस की तरह, ठीक है। क्योंकि ये इक्वेशन किसकी है, आइडियल गैस की, बट हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, रियल गैस की। तो रियल गैस किसकी तरह बिहेव कर रही है, आइडियल गैस की तरह, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हम देख रहे हैं एट हाई प्रेशर, आपने प्रेशर बहुत ही ज्यादा कर दिया और आपको पता है कि जब हम प्रेशर बहुत ज्यादा कर देते हैं तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नियर बाय आ जाते हैं ना। तो हम ये यहाँ पर ये कहते हैं कि जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। और डिक्रीज भी नहीं कहेंगे हम, यू कहेंगे वेरी स्मॉल, बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। और जब बेटा ये वैल्यू कम हो गई तो जो आपके पास क्या है बी, वो बेटा कैन नॉट बी नेगलेट, ये चीज ध्यान रखना है। हम बी को नेगलेट नहीं कर सकते क्योंकि जो ये वॉल्यूम निकल के आ रही है वो किसकी निकल के आ रही है, को वॉल्यूम ही निकाल के दे रहा है। बी को हम को वॉल्यूम कह रहे थे तो बी को हम नेगलेट नहीं कर सकते, ठीक है। आप देखो बेटा यहाँ पर ये तो नेगलेट हो गया बट देखो इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो गई है, ठीक है। हम उसको जीरो ये नेगलेट मान सकते हैं, इसीलिए a बाय b स्क्वायर जो है वो भी क्या होगी, नेगलेट होगी, नेगलेट हो जाएगी। तो अब हमें ये वैल्यूज पुट करनी है उसमें। देखो प्रेशर एज इट इज a बाय b स्क्वायर नेगलेट हो गया, वो हमें नहीं लेना। आगे क्या है बेटा, b माइनस बी, क्योंकि b नेगलेट नहीं हुआ है, जो ये वॉल्यूम आई वो बेटा इसको वॉल्यूम की वजह से ही आती है, ठीक है। तो v माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया, आर टी। हमने क्या किया, सॉल्व किया, पी वी माइनस पी बी मल्टीप्लाई है आर टी, ठीक है। हम इसको कहाँ ले जाएंगे, उधर, तो क्या आ जाएगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी बी। हमने क्या किया यहाँ पर, इसको इस पूरी इक्वेशन को आर टी से डिवाइड कर दिया। जैसे ही आर टी से डिवाइड करेंगे तो पी वी डिवाइडेड बाय आर टी इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाय आर टी प्लस पी बी बाय आर टी। बेटा आर टी डिवाइडेड बाय आर टी दैट मीन्स वन, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो पी वी बाय आर टी ये किसके इक्वल होता है, कंप्रेसिबल फैक्टर के, तो हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू ये क्या आ गया, वन प्लस और पी वी बाय आर टी। इस इक्वेशन के आने का मतलब है जेड इज ग्रेटर देन वन, और जेड की वैल्यू जब वन से ज्यादा आती है, कंप्रेसिबल फैक्टर वन से जब ज्यादा आता है बेटा, तो हमेशा कैसा डेविएशन शो करता है,
पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब हम प्रेशर हाई कर रहे थे, डेविएशन आया था ना, हमने देखा था ना कि जैसे जैसे हम प्रेशर हाई कर रहे हैं तो डेविएशन फर्स्टली क्या आता है, कुछ गैसेस के लिए पॉजिटिव आता है, कुछ गैसेस में नेगेटिव, देन क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो कंप्रेसिबल फैक्टर अगर 1 से ज्यादा आता है तो इसका मतलब जो ये रियल गैसेस हैं ये बेटा लो कंप्रेसिबल है। ठीक है, ये ध्यान रखना, हम बिहेवियर ही बता रहे हैं यहाँ पर, तो रियल गैसेस क्या होंगी यहाँ पर, लो कंप्रेसिबल होंगी। ठीक है, कब, जब आपने क्या किया है, प्रेशर को बहुत ज्यादा हाई कर दिया। ठीक है, आप देखो बेटा हम थर्ड टर्म लेके चल रहे हैं, वो कौन सी है, एट मॉडरेट प्रेशर, मतलब आपने प्रेशर ना ज्यादा अप किया है ना ज्यादा डाउन किया है, तो उस केस में आपको देखना है। एट मॉडरेट प्रेशर, इस केस में बेटा क्या होता है, आपने प्रेशर को ज्यादा हाई नहीं किया है, तो जो वॉल्यूम होगी कंपैरेबल क्या होगी, ज्यादा स्मॉल नहीं होगी लेकिन वॉल्यूम सम अमाउंट में क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब इस केस में वॉल्यूम सम अमाउंट में ही डिक्रीज हो रही है, जैसे हमने प्रेशर लो किया था, ठीक है, जब वॉल्यूम क्या हो गई थी, लार्ज हो गई थी, तो बी क्या हो गया था, नेगलेक्ट हो गया था, है ना। लेकिन बेटा जब मॉडरेट प्रेशर आता है तो उसमें भी वॉल्यूम क्या, उसमें वॉल्यूम क्या हो रही है, सम अमाउंट में डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब जो उसमें वॉल्यूम फ्री स्पेस था वो थोड़ा क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बी कैन बी नेगलेक्ट, बी को हमने क्या माना है, नेगलेक्ट माना है। ठीक है, बट इस केस में बेटा ये ध्यान रखना, ये वॉल्यूम थोड़ी ही डिक्रीज हुई है तो ये ए बाय बी स्क्वायर को हम नेगलेक्ट नहीं मान सकते, तो हम ये लिखेंगे ए बाय बी स्क्वायर कैन नॉट बी नेगलेक्ट। ठीक है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा क्या होता है, लो या फिर क्या रहता है, मॉडरेट, तो उस केस में जो बी है वो क्या रहेगा, नेगलेक्ट रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, और ए बाय बी स्क्वायर कब नेगलेक्ट रहता है, जब प्रेशर क्या हो, क्या तो बिल्कुल ही लो हो या फिर बिल्कुल ही हाई हो, तो ए बाय बी स्क्वायर क्या रहेगा, नेगलेक्ट रहेगा उस केस में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, मॉडरेट प्रेशर में ए बाय बी स्क्वायर को नेगलेक्ट नहीं मान सकते। तो यहाँ पर देखो हम इक्वेशन देखते हैं, पी प्लस ए बाय बी स्क्वायर, ये नेगलेक्ट नहीं है, बी नेगलेक्ट हो चुका है तो ओनली वॉल्यूम आएगी, इज इक्वल टू आर टी। इसको सॉल्व करते हैं, वी इनके मल्टीप्लाई में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी वी प्लस ए बी बाय बी स्क्वायर, एक बी से एक बी कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू क्या बेटा, आर टी। तो पी वी इज इक्वल टू, इसको बेटा उधर लेके जाओ, पहले प्लस में था माइनस में हो जाएगा, ए बाय क्या आ गया, बी, वन बी से वन बी कैंसिल हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को आर टी से डिवाइड कर देना है, तो इक्वेशन को डिवाइड करो, पी वी बाय आर टी इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाय आर टी माइनस ए आर टी वी। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया वन, और पी वी बाय आर टी क्या होता है, कंप्रेसिबल फैक्टर जेड इज इक्वल टू वन माइनस ए डिवाइडेड बाय आर टी वी, इसका मतलब जेड इज लेस देन वन। और जब मॉडरेट प्रेशर होता है तो बेटा जो रियल गैसेस हैं वो क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती है। आपको बताया हुआ है कि जेड जब लेस देन वन आता है तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा एंड वो क्या होगा, हाईली कंप्रेसिबल गैसेस होंगी। क्लियर, तो बेटा बिहेवियर जो रियल गैसेस का है आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट मैंने बताया था क्या, कि जब प्रेशर हम लो करते हैं तो जो रियल गैसेस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, जब हमने प्रेशर को बिल्कुल ही क्या कर दिया, हाई कर दिया, तो उस केस में जो रियल गैसेस होंगी वो लेस कंप्रेसिबल होंगी या लोअर कंप्रेसिबल होंगी। ठीक है, और जब हमने प्रेशर को क्या किया है, मॉडरेट किया है, तो जो रियल गैसेस है वो क्या होंगी, हाईली कंप्रेसिबल होंगी। क्लियर है, एंड नेगेटिव डेविएशन शो करें। तो ये था बिहेवियर ऑफ द रियल गैस। अब मैं एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहती हूँ बेटा, कि जो एक्सेप्शनल केस होता है इन गैसेस में वो होता है मेनली किसमें, हाइड्रोजन और
हीलियम के अंदर, क्योंकि मोस्टली जो गैसेस होती हैं उनमें आपको देखने को मिलता है गैसेस है वो सारी की सारी क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल है, मतलब आपके पास ये वाली टर्म आती है सभी गैसेस के लिए, बट जो हाइड्रोजन और हीलियम है उनमें कंप्रेसिबल फैक्टर क्या आता है, हमेशा ग्रेटर देन वन आता है। ठीक है, तो मैं वो एक्सप्लेन करूंगी बेटा, वो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है तो वो ध्यान रखना आपको। ठीक है, देखो हम देख रहे हैं एक्सेप्शनल केस। ठीक है, उस एक्सेप्शनल केस के अंदर कौन कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम, इसका देख रहे हैं। देखो बेटा हाइड्रोजन और जो हीलियम है इन दोनों का ही साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, साइज क्या है, स्मॉल, एंड इनके अंदर बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, कम होते हैं। हम ये कहते हैं साइज स्मॉल होता है तो उनमें इंटर जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो क्या होता है, हाई होता है, मान के चलते हैं ना। लेकिन बेटा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए, बट यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इस केस के अंदर बेटा क्या होता है, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होता है बेटा, लो होता है या स्मॉल होता है, हम स्मॉल लिख देते हैं। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्मॉल या फिर हम ये कहें लेस अमाउंट में होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, स्मॉल। तो हाइड्रोजन के बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है ये वाले, ठीक है, इनका साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, तो इनमें क्या हो जाती है बेटा, डिस्टेंस ज्यादा होती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो इंटर मॉलिक्यूलर, हम इंटर न्यूक्लियर फोर्स अलग होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स अलग होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में है। ठीक है, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या होता है, लेस होता है, कम होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम का मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है। और जब ए की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो ये वैल्यू बेटा क्या हो जाती है, नेग्लेक्ट हो जाती है, ए बाय बी स्क्वायर क्या हो जाती है, नेग्लेक्ट मानी जाती है। ठीक है, तो जैसे ही नेग्लेक्ट हुई तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ पर पी एंड यहाँ पर क्या आएगा, वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये तो बहुत ज्यादा है इसमें। ठीक है, तो देखो बेटा PV माइनस PB इज इक्वल टू RT आ गया, PV इज इक्वल टू RT प्लस PB, हमने क्या किया RT से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, जैसे डिवाइड करेंगे PV बाय RT इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाय RT प्लस PB बाय RT। ठीक है, ये कंप्रेसिबल फैक्टर होता है तो Z इज इक्वल टू ये आ गया 1 प्लस PB डिवाइडेड बाई आर टी, दैट मीन्स जेड इज ग्रेटर देन 1, ओनली हाइड्रोजन और हीलियम में ही जेड ग्रेटर देन 1 आता है। क्लियर है, हमने देखा भी था ग्राफ जब प्लॉट किया तो बेटा हाइड्रोजन और हीलियम का ही हमने ग्राफ प्लॉट किया था ना, याद है आपको पीवी एंड प्रेशर के बीच में, तो आपके पास ये वाली हाइड्रोजन की आई थी, ये वाली हीलियम की आई थी, बाकी जितनी भी गैसेज होंगी नेगेटिव डेविएशन शो करके इस टाइप से आता चला जाएगा, बहुत सारी गैसेज होंगी उनमें ऐसी डेविएशन आएगा, बट बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम में नेगेटिव डेविएशन नहीं आया, तो इनमें आप ये बताओगे रीजन, स्मॉल साइज होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, लेस रहेगा, स्मॉल रहेगा, जिसकी वजह से वोनागल कॉन्स्टेंट ए की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, वेरी स्मॉल। ठीक है, डिक्रीज और वेरी स्मॉल लिखेंगे यहाँ पर, और वेरी स्मॉल मतलब नियर बाय जीरो, इसीलिए ये वैल्यू क्या हो जाती है, नेग्लेक्ट, इसीलिए जो कंप्रेसिबल फैक्टर है वो क्या आता है, ग्रेटर देन 1 आता है। क्लियर है, तो ये था बेटा वैन डर वाल इक्वेशन के बेसिस पर हमने कुछ और टॉपिक्स देखे हैं, एंड बेटा अगर इसके बेस पे न्यूमेरिकल आता है तो आपसे या तो पूछ लेंगे कि वैन डर वाल कॉन्स्टेंट ए की वैल्यू निकालो या फिर बी की वैल्यू निकालो, और बाकी सारी चीजें आपको मिलेगी, आपको याद रखनी है ये वाली इक्वेशन और उसके बेसिस पर आपको क्या निकालना है, जो वैल्यू पूछी जाएगी वो वैल्यू। ठीक है बेटा,
तो आपको प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल इसके बेस पर बहुत कम आते हैं, बट जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया हैं वो आपको ध्यान से अच्छे से क्लियर करने हैं माइंड में। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं एंड बेटा नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर।